हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेएम में केमिस्ट्री वाले वे स्टूडेंट जिनके ट्वेल्थ में और बीएससी में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट कौन कौन सी एनआईटी के कौन कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल हैं, अगर वो एलिजिबल हैं तो कौन कौन से एनआईटी को किस ऑर्डर में रखना होगा, इस पर हम डिटेल से स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्रेंड्स, अगर आप भी आईआईटी जेएम 2023 का प्रिपरेशन करें, चाहे आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या मैथमेटिकल स्टैटिक्स हो, तो एना अकेडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है 7 डे फ्री लर्निंग ट्रायल। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 7 दिन फ्री में क्लासें ले सकते हैं, फ्री ट्रायल कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर आपको किस तरह से आपको स्टडी करवाया जाता है, क्या इस 7 दिन के फ्री ट्रायल को ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट 25,000 स्टूडेंट को फ्री में 7 दिन का ट्रायल दिया जाएगा, जिसमें आपका कोई चार्ज नहीं होगा। उसके बाद में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट, 7 दिन का फ्री ट्रायल आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा कूपन कोड PKS जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इसका यूज़ करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, BSc नॉर्मल या ऑनर्स आपका डिग्री है और आपकी फिजिक्स या मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में नहीं है और साथ ही ट्वेल्थ में भी आपके मैथमेटिक्स नहीं है, तो लगभग आप इन 13 इंस्टीट्यूट में आप एलिजिबल हैं। मतलब 12 तो NIT है अगर आपका BSc नॉर्मल है और आपका एक सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है सिलेट पंजाब। और ध्यान रखिए स्टूडेंट, साथ ही एक नया इंस्टीट्यूट आया है NIT पुडुचेरी। अगर आपका BSc ऑनर्स या BSc इन केमिस्ट्री है तब तो आप NIT पुडुचेरी में एलिजिबल हैं, लेकिन आपका नॉर्मल BSc है तब आप NIT पुडुचेरी में एलिजिबल नहीं है। तो आपका नॉर्मल BSc नहीं है, आपका ऑनर्स या BSc इन केमिस्ट्री है तो आप NIT पुडुचेरी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ये आपका ऑर्डर रहेगा, बिल्कुल एक करेक्ट ऑर्डर है, टॉप टू लोअर ऑर्डर है। आपको इस ऑर्डर में आपकी जो रैंक होगी उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हो जाएगा। हालांकि आप इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हैं, जैसे NIT तिरची की जगह आप फर्स्ट में सूरतकल रखें या वारंगाल रखें, तो इस तरह का आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।